YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बेहतरीन शेयर जो कि काफी ज्यादा क्रैश हो चुका है, तो क्या आपको अभी बाय करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, अगर बाय करना है तो किस प्राइस लेवल पर आप इसको बाय कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो काफी ये हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए और काफी कुछ इस वीडियो से आप सीख सकते हैं। देखिए ये शेयर जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी है, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लगभग एक मिड साइज कंपनी है और डिविडेंड 0.03% है, कुछ खास नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है 34% मात्र है, देखिए प्रमोटर्स का होल्डिंग यहाँ काफी कम है, 20% जीरो है। डेट इक्विटी भी काफी कम है, तो इस मामले में काफी बेहतरीन कंपनी है, रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। वही बात करें कंपनी के बिजनेस का, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है होम डिजाइन प्रोडक्ट का, मतलब कई सारी कंपनी के प्रोडक्ट है, जैसे देखिए LED TV हो गया, होम अप्लायंसेस हो गया, साथ ही साथ कंपनी जो है मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, साथ साथ मोबाइल फोन स्मार्टफोन, साथ ही साथ कंपनी जो है जियो के लिए सेटअप बॉक्स भी तैयार करती है, तो काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है कंपनी का। लेकिन यहाँ पर जो बात करेंगे क्यों क्रैश हुआ उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले कंपनी फंडामेंटल्स देखते हैं। कंपनी फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है, तो अगर कंपनी के बिजनेस पे लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट नहीं होता है तो आप गिरावट में इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर बात करें सेल्स का तो लगातार जंप हुआ है, देखिए 2012 मात्र 572 करोड़ का, जो कि बढ़ के है हो गया 2021 में 6,400 करोड़ का, तो लगातार सेल्स इंक्रीज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बात करें नेट प्रॉफिट का, तो यहाँ पर देखिए 2013 में मात्र 5 करोड़ का था, 2012 में लॉस में था और वहाँ से बढ़कर 2021 में हो गया 160 करोड़ का नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में भी काफी जबरदस्त जंप है। बैलेंस शीट की बात करें शेयर कैपिटल मात्र 12 करोड़ का है, रिजर्व से कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, 2013 में मात्र 57 करोड़ का, जो कि बढ़कर के हो गया सितंबर 2021 में 822 करोड़ का, जबकि डेट जो कंपनी का वो देखिए 119 करोड़ था 2012 में, जो करके सितंबर में 291 करोड़ मात्र है। वहीं कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो देखिए लगातार पॉजिटिव रहा है, मात्र 2019 में निगेटिव था। वहीं इन्वेस्टर की बात करें प्रमोटर्स का जो यहाँ पर स्टेक है, प्रमोटर का स्टेक लगातार इंक्रीज हुआ है, 2019 में मात्र यहाँ पर 38.92% था और 2022 में तो उससे भी गिर करके यहाँ मात्र 34% हो गया, प्रमोटर का स्टेक लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो जो कि निगेटिव साइन है, कहीं ना कहीं इस स्टॉक में जो शॉर्ट टर्म वो गिरावट हो सकती है या हो सकता है लॉन्ग टर्म भी कोई ना कोई दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक लगातार डिक्रीज हो रहा है, अगर ये इंक्रीज होता तो हम इस पर बुलिश होते, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते इस स्टॉक को लेकर के। FIs का स्टेक बात करें तो वो भी देखिए यहाँ पर 2021 में यहाँ पर 20% के आसपास था, जो कि डिक्रीज होकर के मात्र 16% बचा है, तो यहाँ पर FIs का स्टेक भी डिक्रीज हो रहा है। DIs का स्टेक तो देखिए लगातार डिक्रीज हो रहा है, DIs का स्टेक 22% से मात्र यहाँ पर 8% बचा और पब्लिक को सारा शेयर बेचा जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक में कभी भी आपको नहीं रहना चाहिए जिसमें FIs, DIs, प्रमोटर सबके सब बेयरिश हैं, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में गिरावट हो सकती है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में भी इस स्टॉक में कहीं ना कहीं कोई इश्यू हो, तभी तो इतना ज़्यादा DIs का स्टेक घट रहा है, FIs का बढ़ रहा है, प्रमोटर्स का स्टेक भी घट रहा है, तो ऐसे स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए फंडामेंटल बेसिस पर। वहीं बात करें यहाँ पर स्टॉक जो आज 9% क्रैश हुआ है, जो बात करें तो यहाँ जो एसर्ट सीज हुआ है सोमी का, उससे कुछ ना कुछ रिलेशन है इस कंपनी का, तो हम बात करेंगे यहाँ चार्ट पर, हम न्यूज के रिलेटेड उतनी बात नहीं करेंगे। चार्ट पर देखिए स्टॉक जो है यहाँ पर जो पैटर्न बनाया उस पैटर्न के अनुसार बात करें तो ये इसका सप्लाई जोन था, जो कि है 4,640 रुपये का, और ये डिमांड जोन है लगभग 4,000 के आसपास का, 4,000 के हैं या कहें 3,950 रुपीज़ इसके आसपास का जो जोन है ये डिमांड जोन है। स्टॉक आज बुरी तरह से क्रैश हुआ है 9% के आसपास, तो यहाँ पर स्टॉक को जो है ये बाय करने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो मोमेंटम है, ये जो कैंडल बना है, ये डाउन ट्रेंड को दिखा रहा है और काफ़ी हैवी वॉल्यूम है, मतलब कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी है, जो बड़ा बिग प्लेयर है, वो यहाँ पर स्टॉक को सेल किया है, तभी तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आया है। और अगर ये इस डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है स्टॉक्स, तो फिर तो पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस पे भी बाय नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार जब ये इस सप्लाई जोन से बाहर निकलेगा ऊपर की ओर, तब हम इस स्टॉक्स को बाय करेंगे, वो भी टारगेट किसके लिए 5,000
400 के लिए। फिर अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को कभी ब्रेक करता मतलब 6000 के ऊपर निकलता तो ये स्टॉक्स बाय था, अदरवाइज ये स्टॉक्स अभी बिल्कुल अवॉइड है। टेक्निकल एनालिसिस पे भी ऐसे भी फंडामेंटल पे बात करें, प्रमोटर स्टेक डिक्रीज हो रहा है, FI स्टेक डिक्रीज हो रहा है, DI भी स्टेक डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में इस स्टॉक को बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। बाय कब करेंगे, जब ये 4640 रुपए के ऊपर ट्रेड करना शुरू होगा और ये बुलिश पैटर्न बनाए, कोई ना कोई ऐसा पैटर्न जो बुलिश पैटर्न हो। यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगुलर पैटर्न था और ये इसका पोल था, रेक्टेंगुलर पोल पैटर्न था तो इस रेक्टेंगल को ये नीचे की ओर ब्रेक किया, तो ऐसे स्टॉक्स को हमें बाय नहीं करना है टेक्निकल चार्ट की मदद से भी। तो फंडामेंटल जो एनालिसिस है, जो छोटे एनालिसिस ब्रीफ एनालिसिस मैंने बताया, उसके अनुसार भी ये स्टॉक पूरी तरह से सेल था, इसको बाय नहीं करना था, और टेक्निकल एनालिसिस पे भी ये दिखा रहा है कि इसको बाय नहीं करना है। और इस स्टॉक को क्या सेल कर सकते हैं, तो सेल भी नहीं करना है, जब तक ये इस डिमांड जोन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इस स्टॉक को फ्यूचर में या ऑप्शन में सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इस डिमांड जोन को ब्रेक करके स्टॉक नीचे की ओर ब्रेक डाउन नहीं दे देता है तब तक हम इसको सेल भी नहीं करेंगे। तो ये स्टॉक पूरी तरह से अभी अवॉइड है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आप इसको सेल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए बाय कब करेंगे, जब ये बुलिश पैटर्न बनाए और उसको ऊपर की ओर सप्लाई जोन को ब्रेक करे तो हम इसको बाय करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, इस तरह के बेहतरीन शेयर को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, अभी काफ़ी ज़्यादा ये क्रैश हो चुका है। और इस तरह के एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।